सर टुवर्ड्स योर लेफ्ट या हेलो दिस इज विनम्र फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट. आपकी फिल्म हंगामा को आज 20 साल पूरे हो गए हैं और आपकी जर्नी को और आपकी जर्नी को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं और मैंने आपकी जितनी भी फिल्में हॉल में देखी हैं हीरो और हीरोइन से ज़्यादा हूटिंग और तालियां आपकी एंट्री पे बजी हमेशा. तो तो मेरे को तो सवाल ये है कि जब आप अपने आप को आपसे शुरू करेंगे कि सर क्या क्यों आए क्यों देखे फिल्म 30 सेकंड क्या बात है. पूजा की वजह से नहीं, पूजा तो थी, पूजा तो ड्रीम गर्ल 1 में भी थी बट 30 सेकंड में आई थिंक ये राजपाल यादव इस फिल्म के अंदर हैं. ये सबसे बड़ी खूबी ये भी है. आई नो टाइम इज अ कांस्टेंट, इट डजंट स्टॉप एनीबॉडी. इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. जी 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 ये स्क्रीन पे आते हैं लोग खुश हो जाते हैं. ये ऐसे यूनिक एक्टर हैं. हम लाइनें याद करते हैं, कोशिश करते हैं, लड़के से लड़की बन जाते हैं. इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ही जस्ट He has to be there. And उनका हर शॉट अलग है. I don't know how he does it. Like his improvisation, like all my back shots, मैं सिर्फ हंस रही हूँ. I couldn't keep a straight face around him. बहुत मुश्किल है. बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कभी-कभार ये ऐसी चीज़ें. ये धंधा पानी बंद फिर करवाएंगे. ये धंधा पानी बंद करवाएंगे. ये चलवाएंगे. बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि आप समझ. सर अल्टीमेटली आप बिलीव पहले बात चल बता दें. इसको यहाँ पे हम सर ये फिल्म अल्टीमेटली आप बिलीव करिए इसमें इन ऑन सब कुछ जो भी मिलेगा वो एक एक डायलॉग में आयुष्मान की मेहनत. तो आयुष्मान का की मेहनत और इनके करेक्टराइजेशन इस फिल्म का हीरो हीरोइन जो भी है हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं इस फिल्म के हिस्सा हैं. लेकिन सब लूट ले गए हैं जिनका नाम नहीं, है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. ये आई थिंक सबकी साझेदारी है यहाँ पर और एवरीबडी इज सो गुड इन द फिल्म. चाहे वो राजपाल सर हो या अनु कपूर सर नहीं आए, परेश रावल सर नहीं आए, अभिषेक बैन. मेरा सवाल ये था कि सबसे पहले तो 11:25 पर मैंने शांडिल्य जी का पोस्ट देखा. पोस्ट में एक लड़की कार पर खड़ी थी. मैं अचानक देख के मेरी आँखें सन रह गई कुछ देर के. फिर मैंने आँख पर पानी मारी. फिर जूम करके देखा आप निकले हो. यार ये जूम करके क्यों देखते हैं लड़के लड़कियों की पिक्चर. मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों ये क्यों देख रहे हो जूम करके हमारी. सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या कियारा, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं आप. क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया आपने एकता जी से. देखो एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर है. उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है. और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले. यही मेरा एक एक अंदर से एक एस्पिरेशन है. ड्रीम गर्ल का बिल्कुल. मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया कितना. मैं वही तो पूछ रहा हूँ कितना जूम. इतना जूम सर, इतना जूम मत करो. नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे. अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. हेलो आयुष्मान जी. थैंक यू. हाय आयुष्मान जी. हाँ तो रुको ना भाई. बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछ रहे. हेलो ले लो सर फोटो ले. आंखों का वो मिला. हाँ मैं देख पा रहा हूँ आपको सर. इधर आ जाओ ना दो मिनट. हाँ बताइए बताइए सर. हाय आयुष्मान. हाय. पहले तो मैं कंफ्यूज हूँ कि इतनी बॉडी बनाने के बाद भी आपका जो लेडीज वाला फिगर है आधा तो करीना कपूर खान की जो मेरा नाम मेरी है या डेड डेड सो था गाना उसकी तरह लग रहा है. सर आप चेहरे पे ध्यान दीजिए पहले तो. आप बॉडी पे कम ध्यान दीजिए. तो सर पहले लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फिल्म के अंदर कास्ट होते और यही बात हमारी फिल्म के अंदर करते तो राज जी इनको अलग तरीके से पेश करते आपको. हाँ आप. हाँ फिगर ये कि आपने पहले मेल. हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ. क्या बात है पूजा. मतलब हर तरफ पूजा 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 छाई हुई है. जी मुझे लगा मैं एक और टू हीरोइन फिल्म नहीं करूंगी. मुझे नहीं लगा मैं आयुष्मान के साथ एक दो हीरोइन फिल्म करूंगी. अभी अभी मुझे पूजा के साथ भी